मार्केटिंग में आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आपने ट्रैफिक जो है वो ड्रैग करके अपनी वेबसाइट पे लानी होगी। तो ये मोटे मोटे अल्फाज में सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। तो नंबर वन पॉइंट है कि ये ज्यादातर जो है पेड कंपेन्स होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी कंपेन्स जो है वो पेड ही होंगी और हम ऑर्गेनिक की तरफ टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आप ऑर्गेनिकली इतनी मेहनत करते हैं कि वो खुद ब खुद आपका ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो है वो मार्केटिंग हो रही होती है। और ऑर्गेनिक एफर्ट्स का मतलब ये है कि जैसे कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरीके से उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसी तरह किस तरीके से अपने कंटेंट का कैलेंडर बना रहे हैं, ये सारी चीजें भी नो डाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू देखें तो असल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आनी है। तो लिहाजा सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज्यादातर आपको पेड कंपेन की तरफ ही रियलाइज करना पड़ता है। जनरली आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स रन करते हैं और ये एड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, जहां पे आपके पास कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। आप चाहें तो प्लेसमेंट वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, इवन आप चाहो तो इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक फेसबुक पेज है तो उसकी ऑडियंस को लेके टारगेट कर सकते हैं आप। देन कॉन्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पेड कंपेन्स रन कर रहे हो और जो पूरी की पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये कहीं ना कहीं कंटेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट आपको यूज करना चाहिए। इसी तरह कंटेंट कैलेंडर प्रिपेयर करना आना चाहिए आपको। अब बेसिकली आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने कंपेटिटर को बीट भी करना है, जो कि इतना आसान नहीं होता क्योंकि आपको बजट को भी मैनेज करना होता है, बिडिंग स्ट्रेटेजी लगानी होती है, इसी तरह किस तरीके से हमें कंपेन को ड्राइव करना है वगैरह वगैरह। इसीलिए आपके पास एडवर्टाइजिंग की स्किल लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह कंपेन्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी कंपेन्स रन कर रहे हैं उस हर कंपेन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, तो आपको अपनी हर कंपेन को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ ही लेके चलना होता है। तो लिहाजा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग अंडरस्टैंड करने के लिए।